देखो यह संसार ही दुख है, यहाँ आना दुख है। और संसार में जितना हम काम में संसार काम में उलझेंगे वह दुख है। दुख बढ़ते जाएगा, घटने का नाम नहीं है। सुख का एक ही उपाय है, गुरु में गोविंद में मन लगाए रहो। और यह निमित्त मान करके शरीर से काम करते रहो, हान लाभ का चक्कर छोड़ करके काम करते रहो, और जो भी काम करो वह फायदा हो या घटी हो परमात्मा को समर्पित कर दो, गुरु को समर्पित कर दो, तुम हरदम खुश रहेगा, प्रसन्न। अभी एक आदमी हमारे यहाँ मिलने आया था, कहाँ मिलना है, दिल्ली में। कह कि अच्छा ठीक, मिलने से तो कतराते हैं। दो आदमी आए तो कहा कि हम लोग केरल से आए। भगवान राम के जन्मभूमि पर अयोध्या गए थे। भगवान राम के जन्मभूमि के सामने एक पुस्तक भंडार है, वहाँ से आपका हम किताब रहस्यमय लोक पढ़े। केरल में हमारा बिजनेस डूब गया था, घर मकान बिक गया था, रोड फुटपाथ पर खड़े हो गए थे। ये किताब पढ़ करके और फिर आपको किताब में जो फोटो था, हम गुरु मान करके फोटो खींच करके अपने घर टांग दिए। और जो आपने लिखा है कि चंदन, सफ़ेद चंदन, चंदन का जो तिलक लगाता है, चंदन सात्विकता और समर्पण का प्रतीक है। और गुरु के निमित्त तर्जनी से जो चंदन लगाता है वह ऐश्वर्य और धन धान से फलीफूल हो जाता है। मैं गुरु के निमित्त ही यह चंदन लगाया और आपको हम गुरु मान लिया। इसके बाद हमारा सब बिजनेस जो है 6 महीना में फल फूल गया, जितना था वह घाटा घाटा देकर फायदा में आ गया। हमने तब यहाँ पर क्यों आए हो, हम आपका प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए आए हैं, दीक्षा लेने के लिए आए हैं। हमने तुमको दीक्षा दे दिया गया है, जो परोक्ष में बात हो श्रद्धा समर्पण से, जो मानसिक वेब से बात हो जाए वह सर्वोच्च है, जो फिजिकल बॉडी से हो जाता है वह निकृष्ट है। हम लोग फिजिकल बॉडी से जब तक से पैर को खूब जोर से दबाएंगे नहीं, गुरु जी से अपनी बात कहेंगे नहीं, तब तक से बात मानते नहीं, उसका दिशा निर्देशन नहीं मानते। इसलिए हम सब जो कहते हैं वह किताब में भी आ गई है, उसको लोग मान लो तो हो जाता है। तुमको दीक्षा दे दी गई है, क्यों है ये बताओ। अब तुम तो जो कह दिया, तुम ब्राह्मण हो, कहा कि जी हाँ। राजस्थान से हो, तो जी हाँ। वहाँ जाकर बस गया है, तो जी हाँ। ये कैसे गुरु जी जान गए, हमने कि वाह ये कैसे जाए, गुरु भी मानता है फिर पूछता है कैसे भी जान गए। यह बात तुमको इसलिए कहे कि तुम फिजिकल बॉडी और फिजिकल सामने सामने कहने पर ही विश्वास करेगा। तुमने यह सुना है कि द्रोणाचार्य आचार्य का फोटो रख करके एकलव्य अर्जुन से भी ज़्यादा धनुर्धर हो गया, तो तुम्हारी तो दीक्षा तो हो गई थी। नहीं, हम ब्राह्मण हैं लेकिन चाहते हैं सामने सामने भी लेना। सामने सामने ही लेना चाहता है, ठीक है। गुरु पूर्णिमा यहाँ दिल्ली में 30 को होगी, वहाँ आ जाना। अभी नहीं, यहाँ समय पर सब चीज़ का समय पूर्व निश्चित रहता है, उसी में होगा। तो देखो यह हम कहते हैं कि तुम अपने, इसलिए हमने अज्ञा चक्र पर 2-3 दिन से बोलते हैं। और तुम लोग जो सुन करके अपने काम में उसको प्रयोग करो, तुम सफल हो सकता है। अब तुम यहाँ से जाता है तो हनुमान जी का श्री गुरुचरण सरोज भी करता है,
फिर दुर्गा जी की स्तुति करता है, जय जय अम्बे दुखरने, जय जय दुर्गा सुखरने। कम से कम तुमको जितने रास्ते में किताब मिल जाएगा सबका पाठ कर लेगा। फिर कहे कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो सब में कहीं ना है गुरु जी। तो जब सब में तुमको यह निश्चित हो गया है कि कहीं है, तो कहीं को करो ना। जब निश्चित हो गया कि कहीं है तो कहीं करो। भिन्न 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 जो है मतिर मुंडा भिन्न हो जाता है। एक पंडित जी से इमाम साहब कंपटीशन लगाए थे संतोष जी से, कहे कि तुम हनुमान जी को मानते हो। तो कहा कि अब पहले मानते थे, अब गुरु जी को मान रहे हैं, गुरु जी की बात करते हैं। अच्छा, गुरु जी को मानते हो तो तुम्हारे गुरु जी बड़े हैं, तो चलो इस पेड़ पर से चढ़कर कूदे हम दोनों, हमारे अल्लाह बड़ा है कि मीन में। कहे कि चलो क्या करें। संतोष जी अपना पेड़ पर चढ़ा, जय गुरुदेव कहकर कूद गया हंसते हुए अपना। कहा कि हाँ मल्लाना जी अब देखो ठीक है ना, हाँ तुम चलो। कहा कि यार तू तो बड़ा खतरा कर दिया। मौलाना जी भी चढ़े डरते डरते, अब क्या करे, 10-20-50 आदमी का मामला था। ऊपर से बोला खूब जोर से, जय गुरुदेव जी, नहीं जय अल्लाह हो अकबर। जब नीचे आने लगा तो कहा कि अल्लाह पर विश्वास नहीं है गुरुदेव देखना, कूदा और जो है पैर टूट गया। इसलिए यह बात कह रहे हैं, एक साधे सब साधे, एक को साध लो बच्चा। इसे तुम धार्मिक नहीं हो रहा है, न धार्मिक हुआ न अधार्मिक हुआ, बीच में लटक गया। कुछ नहीं हुआ ना, लटक जाएगा बीच में। भारत में एक पत्नी व्रत बताया गया है। कोई औरत एक पति पर अपने विश्वास करती है तो उसी से उसे संसार में पद पैसा प्रतिष्ठा मिलेगा। और एक गुरु कर लिया, ठीक ठीक खोज लिया कि अब इस गुरु से हमारा काम चल जाएगा सोच कर समझ कर, तो उसे यह संसार भी पार लग जाएगा, उस संसार में भी पार लग जाएगा। इसलिए बात को समझ कर अपने में उपयोग करो। और कहता है कि बहुत सारे पाठ भी कर लेते हैं, बहुत सारे गुरुजी आपका भी मंत्र थोड़ा कर लेते हैं, डिवाइन सेक्रेट साइंस सिखा तो हाँ गुरुजी उसको भी थोड़ा कर लेते हैं। खिचड़ी स्वास्थ्य के लिए ठीक हो सकता है, अध्यात्म में नहीं ठीक होता है बच्चा। जैसे एक बैलगाड़ी में दो बैल यदि आगे नाथ दिया है, लगा दिया है, और दो बैल पीछे लगा दिया और दोनों को हांक रहा है, तो अब गाड़ी कैसे बढ़ेगी, आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। वही अध्यात्म में होता है। संसार में तो हो सकता है ठेल ठाल के चला भी जाए, लेकिन अध्यात्म में तुम अस्तित्वहीन हो जाता है। या वही स्थिति होती है गाड़ी आगे और बैलगाड़ी या रथ के आगे पीछे दोनों तरफ लगा दो, या रेलगाड़ी में दो इंजन लगा दो, दोनों इंजन को विभिन्न दिशाओं में स्टार्ट कर दो। हो सकता है रेल की डबाएं जो जोड़ा गया है तोड़कर दोनों विभिन्न दिशा में लेकर भाग जाए, तो यह बड़ा खतरनाक होता है। तो यह हम आज का ही अनुभव तुमको बताए, आते दिल्ली यहाँ से आने के पहले, एक ठीक है देखो उस व्यक्ति को हमसे न मिला न कुछ किया, और वह जो है अपने सफलता की तरफ भाग रहा है। यह बताया चंदन का मतलब, लेकिन चंदन तो इधर लगा लेता है, इधर कुछ दिखता भी नहीं है। देखो तर्जनी अंगुली यह है, तर्जनी से यदि चंदन लगाता है ऐश्वर्य कीर्ति को प्राप्त करता है। देखो मध्यमा अंगुली यह है, यदि मध्यमा से यदि लगाता है धन शांति और सुख को प्राप्त होता है। यह तंत्र की मेथड है। हालांकि तंत्र हमारा विषय नहीं है, हम तांत्रिक थे बहुत पहले, लेकिन हमने छोड़ दिया। जैसे 8 क्लास में कोई पढ़ता है, 8 क्लास में छोड़ देता, 8 क्लास में कहलाएगा,
हाई स्कूल में जाएगा तो हाई स्कूल कहेगा, कॉलेज में जाएगा कॉलेज कहेगा ना। या तांत्रिक वंत्रिक की पढ़ाई जो है मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई है। इसलिए हमने सब देख करके, सब देखा, सब देख करके जान करके आए। तो यह जो अच्छी बात तंत्र की है तुम लोगों को मैं बता देता, हालांकि साधुता में नहीं गिनी जाती है, परमात्मा को समर्पण कर दिया, हो गया एक बार, लेकिन तुम लोग नहीं मानता है, कुछ चाहिए, सुख शांति ऐश्वर्य भी चाहिए। तो यह समझ लो, मध्य में अनामिका से, अनामिका देखो मध्यमा के बगल में अनामिका है ना, इसे यदि चंदन लगाता है तो इसे तुमको प्रसन्नता, सफलता और उत्कर्ष जीवन में मिलता है। ऋषियों ने रिसर्च करके विभिन्न क्षेत्र में इसका महात्म्य दे दिया है। तो तू चंदन तो लगाता ही नहीं है, कहता है कोई लगाने जाता है तो कहता है अपना मूड़ी सर से कर देता, लगा दो। जैसे बकरा जो है अपना सिर कर देता है, आगे के लोग काट दो। तो चलो, तो यह बात समझो, अनामिका से प्रसन्न आनंद और वैभव को तू प्रदान, उत्कर्ष को प्राप्त करता है। और कभी भी जब तुम चंदन लगाओ, गुरु के मूर्ति पूरब में या उत्तर में रखो, उस दिशा में जिस अंगुली से चंदन लगाना है उस अंगुली से पहले गुरु के पैर पर लगाओ या अंगूठे पर लगाओ, इसके बाद वह चंदन जो है अज्ञात मिस्त्र से फेंक दो। हो सकता है तुम्हारे पितर देवता या तुम्हारे घर के इष्ट देवता भी चाहते हैं कि यार हमको भी चंदन लगाओ, उन लोग का स्मरण करके उनको भी दिखता है, फिर फिर दिया जाता है, लो भैया आपको भी मैं समर्पित कर रहा हूँ, यह समर्पण की भावना से वो प्राप्त कर लेंगे। दो हो गया ना, तो अब तीसरा बार तुम लगाओ। तू अकेले घर में बैठ करके या हमारे जाने के बाद इस जंगल में आँख बंद करेगा, उससे हजार गुना असर है कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ, आ गया हूँ। तो इस ओरा मंडल यहाँ पर जो फैल गया है, इस ओरा मंडल में तुम ध्यान करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, दान करेगा, तप करेगा, यज्ञ करेगा, जो भी करेगा उसका जो है अनंत गुना फायदा होगा और तुम लोगों को लाभ मिलेगा। और इस तरह से गुरु का, जिंदा गुरु का और साक्षात गुरु का फल यही होता है कि उसके ओरा में बैठकर, उसके ओरा मंडल में बैठकर, जहाँ तक उसकी नेत्र दृष्टि जाती है उसमें बैठ करके, या वहाँ पर वह अंत में भी हो तो उसकी ओरा जो है फैल जाती है, यह ओरा नापा जाता है। तुम लोग आगे क्लास लेगा सीक्रेट साइंस का आचार्य लोग, तो उसमें ओरा को नापने की एक विधि बताई गई है। हमारा ओरा नापा है सब कुछ लोग, रेकी ग्रैंड मास्टर सब शुरू शुरू में दिल्ली में गए तो हमारा ओरा नापा सब लोग। कहते हैं कि बुद्ध और महावीर का ओरा जो है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला है, समझा? कुछ ग्रैंड डेकी मास्टर सब ओरा नाप कर शिष्य बना, कहा गए गुरु जी हम लोग जहाँ तक गए, कहाँ तक गया, तो 1.5-2 किलोमीटर पैदल गए वहाँ तक आपका ओरा बता रहा है। नहीं अच्छा, कैसे नापा जा रहा है ये बताओ हमको, सब बताया भी, बनाया गया है ओरा नापने का मशीन आ गई है, तुम्हारा ओरा कहाँ तक जा रहा है। तो मान लो कि इस आश्रम में हम अभी जितना दिन रह रहे हैं, तो तुम लोगों को यहाँ पर तपस्या करना चाहिए, तप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। इससे आपको जो है तत्कालिक फायदा होगा, अनंत गुना फायदा होगा। और आकर बैठ कर केवल हमसे बात करेगा, बदकुचन करेगा, तो क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। और हमारे साथ जो जितना लोग नजदीक रहते हैं दुबरा जाते हैं, डटा जाते हैं, डुबराते जाते हैं, समझा? एक राजा एक बकरी को, बकरा जानता है ना, बकरा को कहा कि बहुत लोग डुगडुगी बिताया कि इसको खूब खिलाओ लेकिन मोटाए नहीं, इतना जितना है उतना ही रहे। बहुत लोग आए, जो यह कर देगा उसको आधा राज दे देंगे। बहुत लोग करते रहे खिलाए, बकरा तो मोटाते जाएगा ना। बकरा में एक स्वभाव है कि खा लेगा तो भी खाता रहेगा, हरदम खाते रहेगा। जब सब लोग हार गए तो एक फकीर भी वहाँ आया, कहा सरकार दीजिए हमको,
जरा मोटा जाए तो हम बताएंगे। बकरा ले गया, रोज दिन भर खिलाता राजा की तरफ खिलन, शाम को ले जाकर 10 मिनट जहाँ पिंजरे में शेर रहता था शेर की यहाँ बांध देता था। शेर जब गुर्राता था सब, एक महीना के बाद राजा के यहाँ बकरा को ले जा गया, नापा जोखा गया, आ गया अरे फकीर इसको खिलाया है ना, तो हाँ सरकार खिलाया है, रोज देखिए जितना सामान गया देखिए, फिर ये और दुबला ही हो गया। कैसे कहा कि यही तो है हालत, कहा खिला कर रोज इनको घुमाने के लिए शेर किए ले जाते थे, शेर से जरा हाथ मिलवा देते थे। समझ गया, तो तुम लोग ज्यादा हमारे नजदीक रहेगा तो कहीं दुबरा जाएगा ज्यादा। देखा होगा क्या नाम है अमितोज को, देखता है ना कितना मोटा था आज सेवा में। इसलिए तुम लोग को नजदीक रहने का फायदा असली जो उठाना है वह उठाओ अपने को, और हम प्रसन्न होते हैं, हम भी प्रसन्न होते हैं कि था हाँ कुछ या तो सद्भीप समाज का काम कर रहा है या तुम अपने अंदर की यात्रा कर रहा है, दोनों यात्रा में कोई यात्रा तो हो रही है, और केवल तुम काट छांट करेगा इफ बट करेगा तो न तुमको कुछ मिलेगा, न समाज को कुछ मिलेगा, न हमको कुछ मिलेगा। स्वामी श्री की अनमोल कृतियाँ, कुंडलिनी जागरण, दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, देखें, जानें, सचित्र वर्णन। शिव नेत्र, आपको भी तीसरा नेत्र है, उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। लोक परलोक, ये लोग जितना सत्य है उतना ही परलोक भी सत्य है, अपने पितरों से मिले। रहस्यमय लोक, सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन, आप भी उन लोगों की यात्रा कर सकते हैं। मेरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र का आध्यात्मिक गठन किया। स्वर से समाधि, अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिव तंत्र, विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओंकार, गुरु नानक देव की जपजी साहिब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिससे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। हनुमान चालीसा भाष्य, एक गुरु भक्त की महिमा का गुणगान। ज्ञान गुदरी भाष्य, जानिए कैसे आप इस शरीर रूपी गुदरी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। गीता ज्ञान मंदाकिनी, विषाद, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संन्यास और मोक्ष के वास्तविक अर्थ से जुड़ें और अपना उद्धार करें, जानिए कैसे। पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सदगुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। संपर्क सूत्र 09868886830, 09818019199, 09968430203।